देश की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। मुंबई के मीरा रोड शमशान घाट में तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से लोगों ने तुनिशा को विदाई दी। अंतिम संस्कार में आरोपी शिजान की मां और बहन भी शामिल हुई। बीजेपी ने एक बार फिर गांधी परिवार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर किसानों की जमीन हड़पने, जमीन खरीदारी की फर्जीवाड़ी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कर्नाटक के साथ जारी सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गाँवों को राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ा जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी के नामांकन पर आपने हमला बोला है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बिना चुनाव जीते बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम पर लग गया है। इनके एक विभाग है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आदि आबादी तक जोर शोर से पहुंचाने का जिम्मा प्रियंका गांधी उठाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद यात्रा का संदेश देश भर में पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी है। राजस्थान पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के कुछ मंत्रियों और आरपीएससी स्टाफ पर पेपर लीक मामले में शामिल होने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं, अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो ईडी की एंट्री होगी। अब लगता है चूंकि अब मामला पानी सर से ऊपर निकल गया तो ईडी आ जाएगी। गुजरात में वडोदरा की एक यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के बाद बवाल मचा हुआ है। कॉमर्स फैकल्टी के सामने दो छात्रों ने नमाज पढ़ने के बाद कैंपस में माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू संगठन ने हनुमान चालीसा और रामधुन गाकर इसका विरोध किया। लुधियाना की फिरोजपुर रोड स्थित होटल हयात एजेंसी में बम होने की धमकी मिलने से अचानक हड़कंप मच गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, बम स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हैकर ने ट्विटर के 40 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी किया है। सलमान खान, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, सुंदर पिचाई समेत तमाम हाई प्रोफाइल लोगों और कंपनी का डेटा चोरी की गई है।